नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म से जुड़ी वीडियो में स्वागत करती हूं, जहां का आज खास विषय होने वाला है, या यूं कहें कि राम भक्तों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि अयोध्या के लिए आपको स्पेशल ट्रेन मिलने वाली हैं हर राज्य से। इसी के बारे में खास जानकारी लेकर मैं आज इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन के बारे में बताते हैं, जिसे राम भक्तों को रेलवे ने तोहफा दिया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल मोक्ष पर मिलेगी। चलिए आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अयोध्या जाने वाली आस्था ट्रेन के संचालन की शुरुआती तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले, भारतीय रेलवे ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अयोध्या जाने वाली आस्था ट्रेन के संचालन की शुरुआत की तारीख को बढ़ा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें रेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि नए प्रस्ताव के तहत 1 फरवरी 2024 से आस्था ट्रेनें चलनी है। पहले दो दिन में ही करीब 5 लाख लोग राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। ये ट्रेन सिर्फ स्लीपर कोच वाली ट्रेन होगी, सभी कोच नॉन एसी और स्लीपर होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक टिकट की कीमत में शाकाहारी भोजन, कंबल और तकिए दिए जाएंगे। कुछ डेस्टिनेशन पूजा स्थलों से शुरू होंगे, जैसे हरिद्वार, अयोध्या, पूरी अयोध्या। और आपको बता दें क्या क्या कुछ होने वाला है। तो दक्षिण भारत के जो स्टेशन है वो होने वाले हैं कोयम्बटूर, पलक्कड़, मदुरे, कन्याकुमारी और सलेम। अगले बात करें अगले प्रदेश की, तो वो है मध्य प्रदेश, इंदौर, अयोध्या इंदौर, बिना अयोध्या, भोपाल अयोध्या, जबलपुर अयोध्या। बात करें दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेशनों से आस्था स्पेशल चलेगी, जैसे कि नई दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। बात महाराष्ट्र की जाए तो मुंबई अयोध्या, नागपुर अयोध्या, पुणे अयोध्या, वर्धा अयोध्या और जालना अयोध्या। तेलंगाना से भी सिकंदराबाद, कांजीपेट, हैदराबाद। और उत्तर पूर्व से 5 मार्ग असम गुवाहाटी तक चलने वाली है। तो दोस्तों, ये सब जानकारी जो है मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि अब जो है लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को, राम भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो है अपने श्री आराध्य प्रभु श्री राम लला की मूर्ति के दर्शन और अपनी आस्था के लिए उन्हें जो सफर है वो आसानी से तय किया जा सके और लोग आसानी से राम मंदिर के दर्शन कर सके, इसके लिए रेल मंत्री का ये तोहफा जो है उन राम भक्त श्रद्धालुओं के लिए है जो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए बेताब हैं। वैसे तो फिलहाल वहां 5 लाख लोगों के करीब राम मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों की भीड़ वहां बहुत ज्यादा है और लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए लगातार आते जाते रह रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए रेलवे ने ये बहुत ही अच्छी जो है तोहफा के रूप में आप लोगों को ये सेवाएं प्रोवाइड कराई हैं। आप अगर राम मंदिर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्रेन जो है उपलब्ध कराई जाएगी 1 फरवरी से। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।